मशीन एग्जैक्ट 10:18 को बंद हो गई थी, तो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट मशीन बंद हो गई। अल फैजान स्कूल में पोलिंग स्टेशन नंबर 205 में पहली बार मशीन ख़राब हो गई, एक बटन दब गया था, टूट गया था अंदर का बटन, तो उसको रिप्लेस किए, वो सेकेंड मशीन भी ख़राब निकली। तो थर्ड मशीन जब रिप्लेस कर रहे तो हम बोले कि टोटल टैली होना जी, क्योंकि वो पुरानी मशीन को पैक कर देते हैं, तो हम उसका सीरियल नंबर लेके टोटल कितने रिकॉर्ड में पीआरओ के पास जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड में जो है और मशीन में कितना है, दोनों टैली करने के बाद हम मुतमिन होने के बाद कि दोनों टैली इक्वल हो गए, जिसका ओ टेप पड़ा था वापस वो 3-4 लेडीज़ को वापस डालने लगा के थर्ड मशीन चालू करें। क्या आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? कहाँ हम तो पीआरओ से प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट करें कि आप हमको 100% एक्स्ट्रा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लिच जो हुआ है टेक्निकल ग्लिच था, और ये टेक्निकल ग्लिच गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, मशीन्स की वजह से हुआ है, तो ऑब्वियसली हमको टाइम मिलना चाहिए। और उनका ये बोलना है कि अगर स्कूल कैंपस में पोलिंग बूथ में 100-1500 भी लोग भी अंदर आ जाए तो 6 बजे के बाद भी हम उनको वोट डालने देने के बाद ही बंद करेंगे, उनका ये बोलना है। एक घंटा 15 मिनट बंद था, 10:18 को बंद हुई, 11:42 को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस टाइम तक मशीन बंद थी। ऑफिशियल्स बहुत स्लो हैं, देखिए ये बोला जाता है कि मशीन यूज़ हो रहे हैं वोटिंग के लिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है बोलते हैं, मगर देखिए यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन ऑफिसर्स हैं, वो इतना स्लो काम कर रहे हैं, कई ऑफिसर्स तो ऐसे हैं कि उन्हें देख नहीं सक रहे, वो जो सीरियल नंबर्स है शीट में वो तक देखने के लिए उनको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ रहा है, और मैग्नीफाइंग ग्लास एक टीचर यूज़ कर रही है, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर रहे हैं और रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं। तो हाँ सबको दिए, ये हमारे नॉर्थ के जो एआरओ हैं कॉरपोरेशन कमिश्नर उनको भी इतला है, डिप्टी कमिश्नर को इतला है, और उनका ये कहना है कि हम वो ऑफिसर को चेंज नहीं कर सकते, और इतने ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं कि भाई एक वोट डालने के लिए मिनिमम 9 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए जो बूथ में 1400-1500 वोट हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए पब्लिक इतनी धूप में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा है कि ये हीट वेव है, हीट वेव में कुछ इंतज़ाम नहीं है, मगर ऐसे स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, कई लोग तो वोट बगैर डाले के जा रहे हैं, हम लोग फिर वापस लेके आ रहे हैं।